हेलो डियर, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं। अभी शनिवार है और समय लगभग 1:45 हो रहा है। अभी मैं मार्केट से अभी नहीं 1 बजे मैं घर पहुँच गई थी, और घर पहुँचते ही मैं किचन चली गई खिचड़ी चढ़ाने। तो ये सब तो आप लोगों को अगले दिन देखने को मिल जाएगा। लेकिन बुधवार को मैंने कोई ब्लॉगिंग शूट नहीं किया था, तो गुरुवार को नहीं आ पाया, क्योंकि बुधवार को किसी बात को लेकर मन उदास हो गया था। कभी ना कभी आप लोगों को पता चल जाएगा। और शुक्रवार का आप लोगों ने देख ही लिया, उस दिन हम लोग नागपंचमी मनाते हैं, लेकिन परेशानी हो गई, इसलिए नागपंचमी में भोग भी नहीं लगा पाई। एक तो छुट्टक हो गया, दादी एक्सपायर कर गई, दूसरा दही नहीं लगाती क्योंकि संतोषी माता का मैं व्रत करती हूँ। तो कुछ सामान मैंने उस दिन लाई थी और कुछ सामान मैं आज लेकर आई हूँ, तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। जो गुरुवार के शाम में लेकर आई थी, तो शुक्रवार को जो भी व्रत त्यौहार था उसमें यूज हुआ। बाकी और भी बहुत सारे सामान हैं, ये जो 15 अगस्त आ रहा है इसके लिए, तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा तो सामान की तो आवश्यकता होती है, और एक सामान एक जगह मिलेगी नहीं। तो सबसे पहले तो ये देखिए, ये जो कलर का होता है हर कलर में, अभी तो मैं फ़िलहाल इसको बहुत यूज कर रही हूँ। आप लोगों ने देखा तुलसी पिंडा मैंने बनाया है, और फिर अभी एक बहुत ही अच्छा पॉट बनाया है जिसमें कि फ्लावर भी खिल गए। आप लोगों को मैं ज़रूर दिखाऊंगी। जो चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करिएगा, अचीवमेंट इन ऑल के नाम से है, और वीडियो को लाइक करिएगा। फ्लावर में बिल्कुल जो पंपकिन होता है उस साइज़ का मैं बनाया हूँ, उसी आकार का, और उसमें फ्लावर भी खिल गए। मैं मिट्टी में मैंने उसमें डाला, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये एक लिया था लोटस कलर का, कुछ ना कुछ मैं चूँकि मैं अभी बना लेती हूँ बिल्कुल अच्छा, तो इसलिए कलर लिया। और ये मेटेलिक कलर है, लेकिन ये लिक्विड वाला है और ये मेटेलिक है, एक बहुत ही खूबसूरत कलर। और मैं बता दूँ, इससे आप फेब्रिक पर भी कलर कर सकते हैं। अगर कोई भी आपके पास ईयर रिंग्स वगैरह है और आपको लगता है मैं डार्क कर लूँ, तो उसको भी कर सकते हैं। मैं ईयर रिंग्स भी मैंने 3 लिया है, इससे मुझे याद आया, तो वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये पाउडर वाला जो है, इसके साथ एक लिक्विड दिया है जो कि शायद पास में नहीं है, मैं आपको ईयर रिंग्स दिखाती हूँ। ये देखिएगा, क्योंकि मैं घर में आकर मैंने इसको ट्राई किया था, तो इसीलिए मैंने इसको खोल दिया है, लेकिन बहुत ही अच्छा है, सब खुला हुआ है। मुझे इतना समय नहीं मिल रहा है कि मैं इसको अच्छे से समेट लूँ, और अभी तो फिलहाल तब तक फुर्सत नहीं मिलेगा जब तक बाबू का पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है। एग्ज़ाम उसका कंप्लीट हुआ, तबीयत ख़राब हुआ, 15 अगस्त का प्रिपरेशन ये वाला देखेंगे। ये मल्टी लेयर में है और ये काफ़ी खूबसूरत है, मेटेलिक कलर है, तो इसमें भी मुझे ऐसा लगता है कि इसमें मैं उस कलर को यूज कर सकती हूँ, और आप लोगों को यूज करके मैं दिखाऊँगी सक्सेस रहा तब। तो एक ये लिया है ईयर रिंग, और एक ये वाला लिया है, पिंक वाला है, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था तो ये लिया है। ये तो अंडर 50 है, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा है जो कॉस्ट का है, जो मल्टी लेयर है। और एक ये ग्रीन वाला लिया है, एक और मंडे आने वाला है तो देखती हूँ मैं उस दिन क्या पहनूँगी। ये लिया है ईयर रिंग, और ये तो बाबू का कलर लिया है, उसको भी काफ़ी ज़रूरत इन सब चीज़ों की अभी हो रही है। और ये देखेंगे, ये भगत सिंह का टोपी है, ये जवाहरलाल नेहरू का है टोपी, जो कि छोटी छोटी चीज़ों की अभी आवश्यकता है। और इसके साथ ये मूछ लिया है, और ये मैं यहाँ पर लगाने के लिए स्टिकर बनाऊंगी, क्योंकि मैंने जो बेच लिया था बैच जो आता है वो थोड़ा सा छोटा मिल रहा था, और कई दुकान जाने का मुझे समय नहीं था, तो मैंने ये पेपर लिया हुआ है, ये सेफ्रॉन ग्रीन और वाइट मेरे पास है, इसी से मैं बेच बनाऊंगी, तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इसका ज़रूरत होगा। हालांकि ये भी कागज़ का बनता है, लेकिन इसको मैंने ख़रीद लिया है, और इनको मैंने लाने को कहा था तो ये रात में लाएँ, और ये बिल्कुल थिन पेपर जो होता है ये वाला है, इससे वो बैच नहीं बनता, तो ये तो किसी काम का नहीं रहा, तो इसीलिए मैं अभी जाकर अभी गई लाने के लिए कुछ सामान। और पहले लाए थे जैसे कि फ्लैग हो गया, और ये देखेंगे ये बैंड हो गया, हैंड बैंड, मुझे लग रहा था ये लड़की के लिए, लेकिन वो बोल रहे थे कि नहीं लड़का भी इसको यूज कर सकता है, तो मैंने ले लिया। एक ये वाला ले लिया है, छोटा छोटा सामान इतना हो जाता है, ये तो मुझे ज़रूरत है तो ये मैंने लिया है। और एक ये 15 अगस्त का सारा चीज़ था, और 15 अगस्त के चीज़ में बचा है अभी अभी बिल्कुल, मैं हड़बड़ में ये बना रही हूँ क्योंकि खाना भी नहीं खाया है, खिचड़ी तो बन गया है, तब मैं आई हूँ ये वीडियो शूट करने, और फिर मीता आ जाएंगी इसीलिए। और ये वाइट और ऑरेंज और ग्रीन मैंने बैलून बहुत सा लिया है डेकोरेट करने के लिए, क्योंकि आज शनिवार 14 अगस्त है। मैम ने कहा है कि 14 अगस्त के शाम तक जो है आप वीडियो भेज दीजिए, क्योंकि कल ऑनलाइन क्लास के दौरान आवाज़ नहीं आएगी, और शाम तक अगर मेरे पास आ जाएगा
तो मैं सुबह तक डाल दूंगी। और बिल्कुल पंखा मैंने कम कर दिया है तो पसीना हो रहा है। तो ये 15 अगस्त का सारा सामान मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। कुछ किचन का अगर आप सामान लेने जाइए तो बहुत सारे सामान की ज़रूरत हो जाती है। इसको मैंने देखा, ये लिया एक, और एक ये सेट लिया छुरी का पूरा। देखती हूँ कितना ये वर्क करता है। ये पूरा सेट 120 में दिया, वैसे 50-50 एक छुरी का बता रहा था। और मैं ये देखेंगे बैच के बारे में मैंने बोला, तो ये बैच मिला है जो कि यूजफुल उतना नहीं है। और ये एक क्या लिया, बड़ा लेने गई थी, बड़ा नहीं मिला। और ये एक अगरबत्ती लगाने का, क्योंकि अब मुझे 2 की ज़रूरत है, बाहर तुलसी भगवान में भी लगाती हूँ। और एक ये किचन का ब्रश, मतलब लेने एक चीज़ जाइए लेकिन आपको बहुत चीज़ों की आवश्यकता पड़ जाती है। और अभी जो मैंने लिया है अपने लिए भी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। कल 15 अगस्त भी है, शुक्ला सप्तमी भी हम लोगों में होता है, जो खीर पूरी सावन के इंजोरिया पक्ष में बनता है। तो नाग पंचमी तो नहीं हुआ, कल बना सकते हैं लेकिन पूजा पाठ नहीं होगा, क्योंकि चचेरी दादी थी मेरी। तो ये जो ब्लाउज आप देख रहे हैं, क्योंकि मैंने तीन सोमवार को बिल्कुल ग्रीन ग्रीन पहना है, तो इस सोमवार भी मैंने वही सोचा। तो इसके लिए, क्योंकि अगर मान लीजिए मैम बोल देगी, नहीं माँ को भी बच्चों के साथ, बच्चे के साथ माँ का भी पिक आना चाहिए, तो इसीलिए मैंने ये बैंगल्स भी ले लिया। और ये चूड़ी ब्लाउज में भी मिल जाएगा, और इसके साथ मैंने, अगर मैं उस साड़ी के साथ पहनूंगी ये गोल्डन, क्योंकि इसके ब्लाउज में ही ये ग्रीन और गोल्डन है, तो ये दोनों इसमें मैच हो जाएगा। और ये दोनों, और नहीं तो तिरंगा वाला पहनना है। तो ये तो इतना सामान अभी मैं लेकर आई हूँ। और आज रास्ते में ही फ्लिपकार्ट से, ये मेरी बहन, मेरे बेटे के लिए 3 बेटी है उसको, तो वो राखी भेजी है। मुझे लगता है कि मेरी बहन ने भेजा है, क्योंकि जिन्होंने भेजा है उसमें कोई एड्रेस नहीं था। तो पता करूँगी कौन भेजे हैं, अभी मुझे इतना भी फुर्सत नहीं है, मैं कॉल करके पूछ लूँ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं हम आपसे अपने अगले ब्लॉग में। और इस चैनल के साथ बने रहिए, रोज़ ब्लॉग आते हैं, लगातार आते हैं, और काफ़ी मन लगता है, क्योंकि मैं बिल्कुल इसमें क्रिएटिव चीज़, बहुत चीज़ें मैं दिखाते रहती हूँ, जो बनाती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और आप लोगों को मन भी लगता है। तो आप लोग जो देखते हैं मेरे वीडियो को, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जो नए हैं चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, मैं आप लोगों के हर कमेंट का जवाब देती हूँ। तो चलिए, अभी तो बिल्कुल बिजी हूँ, तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में। बाय बाय।